हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है अगले लेक्चर में। आज हम पढ़ेंगे सीजन्स। मैंने आपको ये पढ़ा दिया है, ये अर्थ के बारे में। हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि अगर अर्थ एकदम सीधी होती, एक्सिस सीधा होता तो क्या होता। ये हमने यहाँ पढ़ा था कि इफ़ अर्थ इज़ नॉट टिल्टेड, ये मैंने आपको पिछली बार समझा दिया था। समझता हूँ मैं सबके समझ में आ गया होगा कि अगर ये ऐसे होती तो धूप सब जगह बराबर डिस्ट्रीब्यूट होती और दिन रात रोटेशन की वजह से होते हैं। इस एक्सिस पे जो अर्थ घूमती है उसी की वजह से दिन रात होते हैं। अब बात करेंगे सीजन्स की। गाइस, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको हम आज डिस्कस कर लेते हैं कि सीजन्स कैसे होते हैं। ठीक है, चलो फिर बिना देरी किए हुए इसमें बढ़ते हैं आगे और देखते हैं सीजन्स कैसे होते हैं। देखो, सबसे पहले ये एक कंसेप्ट है, एनसीईआरटी में ही है, आप इसको समझ लो, उसके बाद हम सीजन्स में पढ़ते हैं। ठीक है, सॉरी, 1 मिनट प्लीज। यस, देखो क्या लिखा है, सर्किल ऑफ एल्यूमिनेशन, सर्किल ऑफ एल्यूमिनेशन एंड अर्थ डे, ये दो कंसेप्ट है छोटे छोटे से, इनको हम समझेंगे। देखो क्या लिखा है, द सर्किल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्किल ऑफ एल्यूमिनेशन। देखो मैं आपको फिगर से समझाता हूँ, आपको समझ में आएगा। 1 मिनट। यस, देखो सर्किल ऑफ एल्यूमिनेशन क्या है, उन्होंने कहा है कि जो डिवाइड करता है डे एंड नाइट को। यहाँ हम इसको एक सर्किल मान लेते हैं दोस्तों, इसको एक सर्किल मानते हैं और इसको कहते हैं इमेजिनरी सर्किल। एक बात ध्यान रखना, ये कंसेप्ट है, इस सर्किल का इस एक्सिस से कोई रिलेशन नहीं है। कभी कभी ये स्टेटमेंट आ जाता है कि क्या जो इमेजिनरी जो इल्यूमिनेशन का सर्किल है वो एक्सिस के साथ कोई रिलेशन बनाता है। जी नहीं, कोई रिलेशन नहीं है, बिकॉज ये सर्किल ही इमेजिनरी है। ठीक है, एक ये डे वाला सर्किल और ये नाइट वाला सर्किल। क्यों सर्किल क्यों ले रहे हैं हम, बिकॉज स्फेरोसिटी ऑफ द अर्थ, हमारी अर्थ कैसी है, स्फीयर है, समझ गए। अब देखो ये जो ये वो यही कहना चाह रहा है, ये जो सर्किल है इमेजिनरी सर्किल, यही डिसाइड करते हैं कौन से हेमी स्फीयर में रात है, कौन से हेमी स्फीयर में दिन है। ठीक है, बस इतनी सी बात थी। 1 मिनट। यस, अब देखो, अब हम आ गए अपने पे वापस। यहाँ अभी बात कर रहे थे, क्या लिखा था कि सर्किल दैट डिवाइड्स डे फ्रॉम नाइट, जो डे नाइट को डिवाइड कर देते हैं वो सर्किल, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। बस इतना ही कंसेप्ट था। द सर्किल डज नॉट कोइंसाइड विद एक्सिस, ये मैं आपको अभी बता चुका हूं कि उस सर्किल का एक्सिस के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। अच्छा, ये तो आप सभी जानते हैं। खैर, द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट 1 रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस। जो एक्सिस पे अर्थ रहती है, ये अर्थ है, ये इसका एक्सिस है, इस पे एक बार घूमने के लिए इसको कितने घंटे लगते हैं, 24 घंटे, 24 आवर में, तभी तो दिन रात होते हैं। अब देखो नेक्स्ट, द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज अर्थ डे। यहाँ पे पूछा ना अर्थ डे क्या होता है और सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है, आप समझ गए, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन जो दिन और रात को जो सर्किल डिवाइड करता है वो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, और जो अर्थ डे मतलब जो रोटेशन का पीरियड है, अर्थ के एक बार ऐसे घूमने का जो पीरियड है ऐसे, वही क्या होता है, अर्थ डे। ठीक है, ये मोशन ही क्या कहलाता है, अर्थ डे, और ये नॉन स्टॉप मोशन होता है, ये डेली मोशन होता है। ठीक है, बस इतना ही समझना था। अब हम बढ़ते हैं आगे और अब आ जाते हैं अपने मेन कंसेप्ट पे। जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये आपको बहुत ध्यान से समझनी है आज। ठीक है, देखो दोस्तों, अब यहाँ पे मैं वो वाली चीज़ भी एक बार क्लियर कर दूँ आपको, आपको थोड़ा सा मतलब फ़ायदा होगा इससे। ये देखो, जैसे ये सन है, आप देख लिया, ठीक है, इस सन की देखो ये जो इधर उधर एरोज लगे हैं, ये क्या है, ये हीट एनर्जी है जो सन फेंक रहा है, और ये हमारी पृथ्वी है, ये अब ये टिल्टेड दिखाई हुई है, पहले समझ लेना, ऐसे ही टिल्टेड है ये पृथ्वी। अब इस पर नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। अब हम क्या करते हैं, हमने देखा, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, देखो सीजन्स कैसे बनते हैं ये हम देखेंगे, कि सबसे पहले हम यहाँ से इधर चलते हैं। ठीक है, अब आप अपने आप को महीनों में ले जाना अंदर, कि जिस महीने की मैं बोलूँ उसी में ले जाना। हम क्या करते हैं, मार्च से चलते हैं जून की तरफ। ठीक है, अब हमने क्या किया कि हमने देखा कि ये सन की एनर्जी इस तरफ जा रही है। अब अर्थ क्या है, अपने एक्सिस में भी ऐसे घूम रही है और ये सूरज के ऐसे चक्कर भी लगाएगी, जो मैंने अभी समझाया था कि अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस एंड इट रोटेट्स एंड इट रिवॉल्व अराउंड द सन। ये हो गया रिवॉल्यूशन और ये यहाँ जो घूम रही है ये हो गया रोटेशन, तो ये दोनों मोशन एक साथ करती है, ये आप समझ चुके हैं। अब समझेंगे आप जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। देखो एक चीज़ ध्यान देना बहुत बारीकी से, कि अर्थ यहाँ से चल के यहाँ आई, यानी रोटेट तो कर ही रही है, रिवॉल्व करके घूमती घूमती यहाँ आ गई इस जगह पर, यानी हम आ गए मार्च से जून में। अब आप एक चीज़ ध्यान देना कि ये जो सन की एनर्जी है, इसकी जो जो परपेंडिकुलर एनर्जी है वो कहाँ पड़ रही है, इस लाइन पे, और ये लाइन क्या है, यही लाइन तो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको कर्क रेखा कहते हैं, और आप सब जानते हैं कर्क रेखा भारत को काटती है, इसीलिए आप अपने इंडिया की लोकेशन भी जान गए, इंडिया कहाँ पे है, इस जगह पे, समझ गए।
यहाँ इस नॉर्थ हेमिस्फेयर में कर्क रेखा जहाँ से काटती है वहाँ हम रहते हैं, नदर्न हेमिस्फेयर में। तो अब सन की जो एनर्जी है वो डायरेक्ट कहाँ पड़ रही है, परपेंडिकुलर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, कर्क रेखा पे। इसीलिए जून में हमारे यहाँ आप क्या कहते हो, जून में यार बड़ी गर्मी पड़ रही है, खतरनाक गर्मी है आज तो, समझ गए। इसीलिए क्यों, सन जो है परपेंडिकुलर रहता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, और हमारा भारत कहाँ पे है, लोकेशन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। चलो अब आगे चलते हैं, जून से हम घूमते हुए आगे सेप्टेम्बर में। अब सेप्टेम्बर में आप देखेंगे कि ये दोनों पोजीशन ऐसी हैं दोस्तों सन की, कि जब सन की जो रेज है ना वो इक्वेटर पे रहती है परपेंडिकुलर। इक्वेटर मतलब ये अर्थ है, इसके बीचों बीच इस जगह पे परपेंडिकुलर रहती है अर्थ की रेज। और हम कहाँ रहते हैं, हम रहते हैं यहाँ ऊपर वाली लाइन पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। ये कौन सी लाइन है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन नीचे वाली। तो अब जब हम घूमते घूमते पृथ्वी हमारी यहाँ आ गई, तो यहाँ क्या हुआ, इस वाली जगह पे सबसे ज्यादा अर्थ की एनर्जी जाएगी। अब इस वाली जगह पे अर्थ की एनर्जी आएगी, तो सेप्टेम्बर में आप क्या कहते हैं, सेप्टेम्बर में आपसे कोई पूछता है, कहते हैं यार ना तो ज्यादा ठंड है और ना ज्यादा गर्मी है। जी इसी वजह से, क्योंकि आप तो यहाँ रहते हो ना ऊपर, इस जगह पे रह रहे हो आप तो, और सन की रेज कहाँ पड़ रही है, यहाँ, इसलिए आपको ना तो ज्यादा गर्मी लगती है ना ज्यादा ठंडी लगती है। ठीक है दोस्तों, अब क्या हुआ, हमारी पृथ्वी फिर से रिवॉल्व करती हुई आगे की तरफ बढ़ी, आगे की तरफ बढ़ी, तो हम आ गए यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो सन की परपेंडिकुलर रेज है वो कहाँ पड़ रही है। जी बिल्कुल करेक्ट पहचाना आपने, सन की परपेंडिकुलर रेज पड़ रही है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे, नीचे वाली क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। इसीलिए, और हमारे भारत की लोकेशन क्या है, देखो ध्यान देना, यहाँ पे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, भारत की लोकेशन है ये, क्योंकि पृथ्वी घूम के अब इस तरफ आ गई ना, हम लोग रहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, तो अब सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रही है यहाँ। इसीलिए अब देखो ये क्या है, यहाँ पे 22 दिसंबर। अब दिसंबर में जब आपसे कोई पूछता है कि भाई क्या हाल है, अरे यार क्या बताऊं, प्यार मेरा दिल्ली की सर्दी, यानी दिल्ली में जो कड़ाके की ठंड पड़ती है ना। जी ठंड तो पड़ेगी ही, देखो हम छाया में है ना, इधर छाया है ना इस वाली जगह पे, और सूरज की जो रोशनी है, जो हीट है, वो कहाँ जा रही है, इधर जा रही है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे। इसलिए इस एक चीज और समझाऊंगा बीच में आपको, बहुत ही ईजी है वो। तो अब फिलहाल आप ये सोच लो, जो सन की रेज पड़ रही है, जो इंसोलेशन है, इंसोलेशन का मतलब होता है हाईएस्ट हीट एनर्जी, हीट एनर्जी कहाँ पड़ रही है, कैप्रिकॉन पे, तो दिसंबर में, इसीलिए हमारे यहाँ क्या होती हैं, सर्दियाँ। अब अर्थ घूमते घूमते दोबारा पहुंच गई वहीं मार्च में। अब मार्च में पहुंच गई तो फिर से कहाँ, देखो यहाँ पे कहाँ पे थी सन की रेज, इधर नीचे, यहाँ इक्वेटर पे थी, परपेंडिकुलर सन कहाँ था, इक्वेटर पे। अब ऐसे ही दोबारा घूम के जब इधर आए तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ भी सन की रेज क्या हुई, इक्वेटर पे। इसीलिए हम मार्च में क्या कहते हैं, अभी इतनी ज्यादा गर्मी तो आई नहीं है, अभी तो सुबह शाम की चल रही है, क्योंकि यहाँ पे आपको नहीं लगेगी, क्यों कि वही सेम सिचुएशन, जो हीट एनर्जी है वो कहाँ है, इक्वेटर पे, यहाँ पे, और आप कहाँ बैठे हैं, यहाँ पे ऊपर, तो नहीं लगेगी। इसीलिए इन जगहों पे मौसम लगभग एक सा होता है। अब ये बनते कैसे हैं, अब ये बनते कैसे हैं वो देखिए। देखो अब मैं आपको एक चीज और समझाऊंगा, बहुत अच्छी चीज जो आपको पसंद आएगी। देखो अब क्या, हमने क्या किया, हम आ गए इन जगहों पे, इस जगहों पे आ गए, हमने देखा कि यहाँ पे दिन रात इक्वल होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स। हमको ना ज्यादा ठंडी लगती है ना ज्यादा गर्मी लगती है, क्यों, ऐसा क्यों है, मैंने अभी तो बताया कि सन की रोशनी कहाँ रहती है, इक्वेटर पे, और हम कहाँ बैठे हैं, हम ऊपर बैठे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, ठीक है, यहाँ पे, इसलिए हमको ना ज्यादा ठंड लगती ना ज्यादा गर्मी। अब क्या होता है दोस्तों, एक चीज पे ध्यान ध्यान देना कि जब ऐसा होता है, तो अब जब ऐसा होता है तो यहाँ मार्च के टाइम पे हमारे क्या आता है, मार्च के टाइम पे हमारे हो जाती है स्प्रिंग, क्या हो जाती है, स्प्रिंग यानी बसंत ऋतु आ जाती है। वैसे ही जब हम इधर इस वाली साइड में आते हैं सितंबर के टाइम पे, तो फिर भी हमको ज़्यादा ठंडी ज़्यादा गर्मी नहीं लगती, तो इधर क्या हो जाता है, ऑटम, ऑटम मतलब पतझड़, ऑटम को बोलते हैं पतझड़, और स्प्रिंग को बोलते हैं बसंत ऋतु। अब हमने क्या किया, घूम के हम फिर से इधर ही आए, घूम के हमें इधर से आए, देखो ये क्या कहते हैं, समर सोल्स्टिस। समर सोल्स्टिस का मतलब होता है कि सन एट इट्स हाई पॉइंट, यानी सन कहाँ पे परपेंडिकुलर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, आप समझ लो इसके ऊपर नहीं जाएगा सन, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, इसीलिए समर सोल्स्टिस, सोल्स्टिस का मतलब ये होता है। इधर विंटर सोल्स्टिस मतलब अब यहाँ पे अगर सन आ गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे, तो इसके नीचे नहीं जाएगा, इसीलिए कभी भी पोल्स पे सन परपेंडिकुलर नहीं होता, साल के किसी भी महीने में परपेंडिकुलर नहीं होता। ध्यान से देखो दोस्तों, ध्यान से देखो, ये देख रहे हो सन की रेज आ रही हैं, और ये ऊपर उसमें दिखा भी रहा है माइक्रो में, तो ये ऐसे घूमती है, तो जो समर सॉल्स्टिस और विंटर सॉल्स्टिस है ना वो ऐसे ही फॉर्म होते हैं। देखो ये इक्वेटर पे इस समय 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर है इसका इंसोलेशन। अब आप थोड़ी देर में देखोगे, ये देखो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आ गया, इसको कहते हैं समर सॉल्स्टिस,
ठीक है, अब ये फिर से घूम के आया, फिर से इक्वेटर पर रुका और फिर से आ गया, इसको कहते हैं विंटर सोल्स्टिस। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। सन की जो रेंज है वो कहाँ है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक, ये जो बीच वाला हिस्सा होता है पृथ्वी का, ये इसी पे सबसे ज्यादा हीट एनर्जी रहती है, और ऊपर भी ठंड नीचे भी ठंड। क्यों? क्योंकि सन, देखो कोई फुटबॉल है, इस पे आप रोशनी डालो तो जो रेज सामने पड़ेंगी वहां पे ज्यादा रोशनी होगी, अदरवाइज रेज कैसे निकल जाएंगी, ऐसे ऐसे ऐसे। यही पृथ्वी के साथ है, पृथ्वी के साथ है, सामने वाले पे रहती है हीट एनर्जी, इधर उधर इंक्लाइंड हो जाती है सन की एनर्जी, इसलिए यहाँ ठंड रहती है। एक चीज और समझा देता हूँ आपको, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने आपको बता दिया कि समर सोलिस्टिस का मतलब है कि यहाँ सन हाईएस्ट पॉइंट पर रहेगा, वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है। अब देखो इधर से ऐसे करके घूम के हम यहाँ तक आए, अब आप ध्यान देना ये कंसेप्ट है, हमने क्या किया कि मार्च से हम आए घूम के सेप्टेम्बर तक, यहाँ तक। अब मार्च से सेप्टेम्बर तक कितने महीने लगते हैं, 6 महीने। अब जब हम सेप्टेम्बर से फिर दोबारा मार्च में जाएंगे तो हमको कितने महीने लगेंगे, 6 महीने। 12 महीने तो होते हैं साल में, 75 महीने थोड़ी होते हैं। तो अब आप एक चीज़ कह सकते हो कि सर जो मार्च से और सितंबर तक के 6 महीने हैं, उन 6 महीनों में सन रहता है नदर्न हेमिस्फीयर में। कहाँ रहता है? नदर्न हेमिस्फीयर में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रख लेना इस चीज़ को, नदर्न हेमिस्फीयर में। और जो सितंबर से मार्च वाला टाइम है, जहाँ हमारे यहाँ भारत में सर्दी रहती है, उस दौरान उस 6 महीने जो सन है वो कहाँ रहता है, सदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। समझ गए? यहाँ रहता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे, इधर रहता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, हम कहाँ रहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। इसीलिए मार्च से जून और सितंबर तक ये वाला पीरियड हमारा गर्म रहता है और ये वाला हमारा ठंडा रहता है। आप समझ गए ठंडी गर्मी का मतलब, यानी इनको ऐसे पृथ्वी को घूमने में 6 महीने, ऐसे घूमने में 6 महीने, तभी तो 365 दिन में एक चक्कर लगाती है सूर्य का। अच्छा ये चीज़ आपको समझ में, पहले मैंने समझाई आपको, पहले लेक्चर देखने पड़ेंगे, ये चीज़ समझ में आती है कि नहीं, कि पृथ्वी अपने एक्सिस पे जो चक्कर लगाती है, इस एक्सिस पे वो तो लगा देती है 24 आवर में। देखो ये भी एक इसका स्टैंडर्ड है, वो आपको याद रख लेना, कहीं पूछा जा सकता है, जैसे 23 आवर 56 मिनट और 4 सेकेंड ऐसे करके लगाती है वो, हम 24 आवर ले लेते हैं, 4 आवर्स सेक ऑफ कन्वीनियंस। ऐसे ही जो पृथ्वी है वो ये जो इसके चक्कर लगाती है ना पूरे ऑर्बिट के, यानी सन के, तो ये लेती है 365 दिन। अब 365 दिन कैसे लेती है, कि 365 दिन लेके मतलब 365 दिन 5 घंटे और कुछ 48 मिनट, इतना टाइम लेती है। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट 365 को कंसिडर कर लेते हैं, इनको नेगलेक्ट कर देते हैं, इसको नेगलेक्ट करके हम 6 घंटे ले लेते हैं। तो अब 6 घंटे यानी एक साल में 6 घंटे बढ़े, 365 दिन और 5 घंटे और 48 मिनट, ऐसे करके तो इसको 6 घंटे ले लेते हैं। अब यही 4 साल तक जुड़ते जुड़ते 6 घंटे कितने हो गए, 24 घंटे। भाई 4 साल में 6 घंटे के हिसाब से 6 चौके 24 हो गए ना, यही 24 घंटे हर साल फरवरी वाले महीने में लीप ईयर बना देते हैं, जिसको कहते हैं लीप ईयर। इसीलिए फरवरी हर 4 साल बाद कितनी की हो जाती है, 28 की जगह हो जाती है 29 की। ये कंसेप्ट था लीप ईयर का, भी कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, अब आप बताइए मुझे, आपको कौन सा मौसम समझ में नहीं आया, मैंने सारे मौसम बता दिए हैं। अब आपको कोई समझ में अगर नहीं आया मौसम, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर इसको दोबारा समझा दो, मैं समझा दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच गाइज, थोड़ी सी थ्योरी है वो मैं अगले लेक्चर में कवर करा दूंगा। ओके चलो, थैंक यू, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।